अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। शर्फ़ शम्स ख़ास वक्त आ गया और आपके नसीब जगाने के लिए, ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, अरूज के लिए, शोहरत के लिए, तमाम नेक मकासद में कामयाबी के लिए। कि शर्फ़ शम्स ख़ास ख़ास वो वक्त होता है जब स्यारा शम्स बुर्ज हमल के 19 दर्जे पर आता है। ख़ास वक्त होता है जब कायनात में शम्स स्यारा शम्स खाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता है, जो कि आपके मामलात में ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। यानी अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत के मखसूस टाइम रखे हुए हैं। वैसे तो कोई भी वक्त हो सकता है, लेकिन जब सितारों की मैग्नेटिक वेव्स आपके एरिया पे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती है तो आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल होते हैं। शर्फ़ शम्स जो है आपका 8 अप्रैल को आ रहा है और 8 अप्रैल को 1:54 यानी 54 मिनट यानी सुबह के टाइम शुरू होगा, यानी रात 12 बजे के बाद का जो टाइम शुरू हो जाता है, और इसका खात्मा 9 अप्रैल को 1:52 पे होगा AM। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक आपका टाइम आ रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक और एक आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ये पहले मैंने आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बताया, अब दूसरा टाइम जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है, जो 23 अप्रैल को आएगा 1:15 PM और 24 अप्रैल 1:50 तक रहेगा। शर्फ़ शम्स में ख़ास अमलियात किए जाते हैं जो कि आपके माल व दौलत, इज़्ज़त दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी के लिए बड़ी मुजरब होते हैं। इसमें इस वक्त हम ख़ास अपने जो अमलियात के लिहाज से जो इस साल जो अमलियात है उसमें खुश तौर पर तलिस्मी चिराग बना रहे हैं, जो कि चार कोन वाला चिराग होता है, और इसमें अब ये है कि चारों तरफ से शम्स के तलिस्म होते हैं और उसमें मखसूस खसूसी नकूश होते हैं और उसको चार कोनों में रख के जलाया जाता है। क्योंकि आप देखें कायनात में जो अनर्जी की डिमेंशन हैं, 4 डिमेंशन हैं, शुमाल, मशरक, जनूब, जो आपकी चारों तरफ से आपको जो भी एनर्जी मिलती है, तो चारों तरफ से जब आप उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, हासिल कर सकते हैं उस तलिस्मी चिराग के ज़रिए, तो आपके मामले में मैक्सिमम बेहतरी लाई जा सकती है। मुख्तलिफ तरीके हैं, अपने असलूब हैं, अपनी दवा की कबूलियत के लिहाज से, अपने मामले में बेहतरी लाने के लिहाज से, तो मामले में कामयाबी के लिए। उसी तरह लोहे शम्स जो है बनाई जाती है, शम्स की अंगूठी बनाई जाती है। मैं तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ और वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। शर्फ़ शम्स की लो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये खसूसी तौर पर तैयार की जाती है, गोल्ड प्लेटेड होती है, या चांदी पे बनाते हैं, उस पर गोल्ड प्लेटेड किया जाता है। इसके साथ ख़ास नगीना जात वाली भी बनाई जाती है, जिसमें ख़ास नगीना जात भी लगते हैं। दो तरह के बनाते हैं, अमूमी और खसूसी। तो उसमें इसमें ख़ास खसूसी तौर पर हम यकूत नगीना भी इस्तेमाल करते हैं, जो शर्फ़ शम्स का ख़ास नगीना है, जो कि लो की पावर को बढ़ाने के लिए होता है। यानी यकूत की कुव्वत भी हासिल होती है और उसके साथ आपको लो की कुव्वत भी हासिल होती है। दोनों चीज़ें आपके लिए मैक्सिमम एनर्जी आपको देती हैं। यानी एक चीज़ में डबल पावर जनरेट करके हम उसको रिज़ल्ट तैयार करते हैं कि मैक्सिमम रिज़ल्ट आपको हासिल हो सके। कुछ लोग स्टोन पहनना चाहते हैं, कुछ लोग अंगूठी पहनना चाहते हैं, जो भी मामला था उस लिहाज से अपनी पसंद के मुताबिक ख़ास वक्त पे ख़ुद भी बना सकते हैं और अदारे से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अदारे से हासिल करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब उसके बनाने का तरीका हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में होती है कि सही वक्त की तजवीज़ करना, उस वक्त पे सही वक्त पे बनाई जाए, कुंदा किया जाए, नक्श लिखा जाए, सूरज शम्स को पढ़ा जाए, ये सूरज शम्स का नक्श लिखा जाए। तो उसके लिहाज से शम्स की पहली सात आपको मिलेगी 8 अप्रैल को 12:06 यानी PM से लेके 12:06 PM से लेके 1:10 PM तक रहेगी, और दूसरी सात आपको शाम को 7:24 पर मिलेगी PM से लेके और 8:20 PM तक रहेगी। तो ये दो सातें हैं जो ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ, मैं इसमें बेहतर आपके लिए रहेंगी। और इसी तरह शम्स का जो विर्द है आपके लिए जो पढ़ना, या हयो या कहीं 1000 मरतबा पढ़ना बेहतर है। शम्स का सलाम पढ़ना वो भी वीडियो में दिखाएंगे आपको, 1000 मरतबा पढ़ना बेहतर है। न्याज जो दे सकते हैं, नमकीन चीज़ पर न्याज दें, चने की दाल का सदका दें, चने की दाल का न्याज दे सकते हैं, गंदम की रोटी, गोश्त, ये सारी न्याज में चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सदका जो आपने देना है, गोश्त का सदका दे सकते हैं, चने की दाल, बाजरा, घी, सब्ज़ी, सुनहरी कपड़ा, गोल्डन रंग की चीज़ें, इसका सदका दे सकते हैं। और जो ज़्यादा साब हैसियत वसाइल हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं, अपने वसाइल के मुताबिक सोना दें तो ज़्यादा बेहतर है, और यकूत के भी जवाहरात भी आप सदका के तौर पर दे सकते हैं, अपनी जेब और वसाइल के लिहाज से। सूरज शम्स की तलावत करें, सूरज शम्स का नक्श लिखें, लोहे शम्स बनाएँ, और ये सारे नकूश भी मैं आपको वीडियो में शो करूँगा। इसके साथ रजाल गायब और सलाम पढ़ें, ठीक है, रजाल गायब को सलाम, उसकी सीमत नक्श के मुताबिक देख के बैठें और उसका सलाम पढ़ें और हिसार करें। इसी तरह बखूर जो आपके लिए बेहतर है, बखूर अऊद बेहतर है, और अगर किसी वसाइल नहीं है तो अगरबत्ती भी जला सकते हैं। कपड़े जो आप पहने उस दिन, अगर आपका जाय नमाज का रंग कलर भी गोल्डन कलर हो, आपका
जो है जर्द रंग के कपड़े पहने, गोल्डन कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, जर्दी वाले कपड़े पहन सकते हैं, ये सारे जो उस तरह, यानी मकसद ये है कि उस दिन मैक्सिमम एनर्जी जो सन की एनर्जी है को कंसीव किया जा सके। सिलसिला इसी तरह नकूश लिखना, और ये जो नकूश लिखने से पहले नकूश के जो कवायद जवाबत हैं वो पूरे होने चाहिए। इसमें जो आपका अजला पूरे लिखें, मोकल का नाम भी लिखें, मलाइका का नाम लिखें, ये सारी तफसीलात लिखें। वक्त से पहले अब इसको आप अजला तैयार करके रखें। जब वक्त मुकर्रर आए तो उसमें वक्त कम होता है, मखसूस सात होती है, उसमें फ़ौरी तौर पर जो खा नक्श की चाल के मुताबिक उसको पूर कर लें ताकि आपको वक्त ज़ाया ना हो। इतने मुश्किल लगा सकते हैं, नक्श को भी इसके मुश्किल लगाएं, लोगों को चार्ज करें अगले दिन और इसके 41 दिन चढ़ाई पढ़ाई करें। अगले दिन आप जो है सूरज शम्स को तलावत करें, नक्श को हाथ में लेके, और सूरज जब निकल रहा हो और ऊजो हो रहा हो, सूरज का तलू हो रहा हो, तो उसके सामने सूरज शम्स की तलावत करें और नक्श को हाथ में लेके अपने जुमला मकास के लिए दुआ करें। इसके साथ आप दो नफल नमाज हाजत भी अदा कर सकते हैं, उसमें भी सूरज शम्स की अदायगी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जुमला तरीक़ाकार मैंने आपको वाजह कर दिए, कोई बात ना समझ आए तो आप रब्ता कर सकते हैं, या अदारे से अलवातुल इस्मत हासिल करना चाहते हैं, अपने नाम के लिहाज से अपने नाम वालदा के नाम से बनवाना चाहते हैं, या जायचा नक्श तवीज़ तवीज़ात या अलवातुल इस्मत या कोई भी चीज़ रूहानी मदद चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।